पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने गजरौला समेत कई स्थानों पर अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त की। एमडीए के प्रवर्तन दल ने ध्वस्तीकरण के पारित आदेशों के क्रम में ये एक्शन लिया। लोगों से अपील की कि बिना नक्शा पास कराए निर्माण नहीं कराएं। गजरौला क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध बड़ा एक्शन लेते हुए प्राधिकरण की टीम ने नेशनल हाईवे पर अरुण कुमार सिंघल की 5 बीघा भूमि पर प्लॉटिंग को अवैध बताकर ध्वस्त किया। वहीं सलारपुर में अरविंद चौधरी की 5 बीघा भूमि पर प्लॉटिंग ध्वस्त कर दी। साथ ही एएसपी फैक्ट्री के सामने रॉकी की 5 बीघा भूमि को भी प्लॉटिंग और लगभग 20 मीटर लंबी आरसीसी रोड को ध्वस्त किया गया। भानपुर फाटक के पास मोहम्मद यूसुफ की 4 बीघा भूमि में की गई अवैध प्लॉटिंग को भी गिरा दिया गया। एमडीए अफसरों के अनुसार इन सभी में ध्वस्तीकरण का आदेश पारित था। इस कार्रवाई में प्राधिकरण के सहायक अभियंता एनएस तोमर, केके शुक्ला और सभी प्रवर्तन टीम के कर्मचारियों के साथ थाना गजरौला का भारी पुलिस बल मौजूद रहा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।